तो वेलगो के हलचल में हूँ आपका दोस्त एमटी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमटी गेम स्टार जी। और ये वाली वीडियो जो है ये वीडियो होने वाली है WCC3 के नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोगों को बताइए कि एशिया कप आने वाला है, तो WCC3 के अंदर एशिया कप का अपडेट जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अपडेट कब तक आएगा और अपडेट के अंदर क्या कुछ कंपनी चेंजेस कर सकती है और नेक्स्ट अपडेट के अंदर WCC3 के अंदर क्या कुछ चेंज होगा, सारी बातें बताने वाला हूँ। तो ये वाली वीडियो को जरूर से एंड तक देखें। और बता दूं कि चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो मेरे भाई यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को दबा के और प्रेस सेलेक्ट जरूर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। अभी देखिए आप सभी लोगों को पता ही है कि WCC3 के अंदर जो हमें नेक्स्ट अपडेट जो भी देखने को मिल रहे थे वो अपडेट थे पहले जो अपडेट आए थे, जैसे कोच का अपडेट, उसके बाद एनिमेशन, उसके अंदर हमें कुछ शॉट देखने को मिले थे जो कि T20 वर्ल्ड कप का था, उसके अंदर कुछ शॉट थे और कुछ आपको ज़्यादा सर जो है कट सीन ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। बट यहाँ पर कंपनी जो है अब जो अपडेट लॉन्च करने वाली है वो अपडेट होगा गेम प्ले से रिलेटेड। अब देखिए ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक आपने देखा कि धीरे धीरे कंपनी ने जो है अपने गेम प्ले के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए, ग्राफिक के अंदर वेदर डाल दिए, उसके साथ ही आप सभी लोगों को अंपायर की ड्रेस चेंज, अंपायर की न्यू एनिमेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो कंपनी चाहेगी कि अभी जो है नेक्स्ट अपडेट भी इसके, देखिए अभी ये अपडेट के अंदर भी गेम प्ले का जो है बैट बॉल जो है कनेक्शन ठीक किया, बॉल के पीछे जो लाइन होती थी उसे भी हटा दिया, तो ये सारी चीज़ें की है कंपनी ने ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है कंपनी सोचेगी कि इसी के ऊपर ही कंटिन्यू हो और कंपनी इसी के ऊपर ही काम कर रही होगी। तो एशिया कप वगैरह का अपडेट आएगा, वहाँ पर शायद आपको स्क्वाड वगैरह देखने को मिले अलग, और एशिया कप का ही अपडेट आए। बट यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ कि गेम प्ले के ऊपर कंपनी अब ध्यान दे रही है, तो आने वाले समय में WCC3 का भी गेम प्ले बेस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कंपनी को यहाँ पर शॉर्ट मैप जैसे कुछ फीचर वगैरह डालना चाहिए, जिससे कि लोगों को खेलने में मजा आए और अपने अपने शॉट अपनी जगह पर रख पाए। तो ये चीज़ें करनी चाहिए कंपनी को। धीरे धीरे कंपनी ने बहुत सारे बैटिंग शॉट भी डाल दिए, बट एक चीज़ बुरी है कि इसके अंदर जो न्यू शॉट आते हैं तो फिर वही शॉट चलते, तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना चाहिए और पुराने शॉट जो थे वो भी रखने चाहिए, जिससे कि लोगों को खेलने में भी मज़ा आए। बाकी यही है, और मेरे हिसाब से एशिया कप्स के दौरान ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा, शायद एशिया कप स्टार्ट हो जाए फिर देखने को मिले, लेकिन ये नहीं है कि एशिया कप से पहले देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं आप सभी लोगों को जरूर से बता दूंगा। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे पर लाइक जरूर से कर देना, और चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो भाई यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन को भी जरूर से दबा देना। तब तक के लिए खुश रहना, ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।